दोस्तों दिल्ली एनसीआर में सफर करने के लिए सबसे सुविधाजनक सवारी मेट्रो को माना जाता है। दिल्ली मेट्रो में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन मेट्रो से उतरकर उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए अक्सर कैब या ऑटो बुक करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो एक ऐसी सुविधा भी देती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आप 10 रुपए देकर स्मार्ट बाइक रेंट पर ले सकते हैं और मेट्रो से उतरकर भी अपना सफर जारी रख सकते हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली मेट्रो अपने प्रमुख स्टेशनों पर साइकिल किराए पर लेने की सुविधा देती है। मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में साइकिल्स खड़ी मिलती है जिन्हें आप समय के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं। खास बात है कि इनका किराया भी बेहद कम है। साइकिल शेयरिंग सर्विस के तहत कुल 994 साइकिल उपलब्ध हैं। इसमें पैडल और बैटरी दोनों तरह की साइकिल शामिल हैं। पैडल साइकिल 11 स्टेशनों पर उपलब्ध है, जबकि बैटरी से चलने वाली साइकिलें 41 स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। इन स्टेशनों पर पैडल साइकिल, दोस्तों पैडल साइकिल दिलशाद गार्डन, मंडी हाउस, कश्मीरी गेट, बारा खंबा रोड, कुहाट एनक्लेव, रोहिणी पूर्व, इंद्रलोक, जीटीबी नगर, रिठाला विश्वविद्यालय जैसे 11 स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। इन स्टेशनों पर बैटरी साइकिल, दोस्तों बैटरी वाली साइकिल एम्स, पंचशील पार्क, आईआईटी, बारा खंबा रोड, शिवाजी स्टेडियम, जनपद, भिकाजी कामा प्लेस, जंगपुरा, जेएलएन स्टेडियम, सेंट्रल सचिवालय, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, चिराग दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन, आरकेपुरम, पटेल चौक, उद्योग भवन, मालवीय नगर, विनोबापुरी, बसंत विहार, जीटीबी नगर, सिविल लाइंस, लाजपत नगर, मंडी हाउस, शालीमार बाग, खान मार्केट, एमवी मोती बाग, दिल्ली हाट, आईएनए, जोर बाग, मुनिरका, डीडी साउथ कैंपस, मूलचंद, नेहरू एनक्लेव, ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन, कुतुब मीनार, ग्रीन पार्क, हौज खास, कालकाजी मंदिर, साकेत, विश्वविद्यालय जैसे स्टेशनों पर मिलेगी। दोस्तों दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर किराए पर लेने का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है। शुरुआती आधे घंटे के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए देने होंगे, जबकि इसके बाद हर आधे घंटे पर 15 रुपए किराया लिया जाएगा। ध्यान रखें कीमत में उतार चढ़ाव हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।